अल्लाह बेटा टोडे वी आई गन टू कंटिन्यू विद द एक्सरसाइजिज ऑफ यूनिट नंबर टू हज़ फर्स्ट फ्लाइट दैट डे आई शेयर विद यू बल्कि थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था जो बाकी एक्सरसाइजेज थी ट्रांजिशनल डिवाइस हमारी रह गई थी सो टोडे वी आई गो टॉक अबाउट ट्रांजिशनल डिवाइसिज द फर्स्ट थिंग इज़ द ट्रांजिशनल डिवाइस आर लाइक कंजंक्शंस बट देर आर सम डिफ्रेंसिज बिटवीन दैम फॉर एग्जाम्पल कन्जंक्शन जो हैं वो दो वर्ड्स को या दो फ्रेजि क्लॉजिज को आपस में ज्वाइन करती हैं वेयर एज द ट्रांजेशन जो है दे आर वर्ड्स एंड फ्रेजिज दट इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेंटेंस और टू पैराग्राफ्स ना ट्रांजेशन डिवाइज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली वैन यू कम टू हाई स्कूल योर राइटिंग स्किल्स हैव टू इम्प्रूव एंड दीज आर सम ऑफ द वेज इन विच यू कैन इम्प्रूव योर राइटिंग Uh, the, the most important thing is that there should be a connection between one idea and another idea, one paragraph and another paragraph, and there should be a gradual progression from one idea to another. So you should not be jumping from one idea to another idea without making any uh, connection.

transitional devices are like bridges between parts of your paper paper is like a research paper it can be um, an essay it can be a report uh, these are cues that help the reader to interpret ideas a paper develops transitional devices are words or phrases that help carry a thought from one sentence to another from one idea to another from one paragraph to another paragraph and finally transition devices link sentences and paragraphs together smoothly so that there are no abrupt jumps और ब्रेक्स बिटवीन आइडियाज़ सो बेसिकली आपकी जो राइटिंग uh, है उसको ज़्यादा कोहेरेंट करता है ज़्यादा कोहिस्व करता है मतलब दे आर जेल्ड इन फॉर एग्जाम्पल अगर uh, आपसे आपकी रूटीन पूछी गई है तो उसमें आप ये ट्रांजलेशनल डिवाइस लगाएंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट सेवन ओ क्लान आई डू दिस आफ्टर आई हैव डन दैट

इन अदर क्वेश्चन वुड भी जो अभी मैंने आपसे कहा कि अलॉट ऑफ पीपल आस्क वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंजंक्शंस एंड ट्रांजिशंस बिकॉज दोनों का जो मेन uh, जो आइडिया uh, है जो मेन गोल है वही है ज्वाइनिंग, लिंकिंग बिटवीन वन आइडिया टू अनदर आइडिया सो इसमें आप देख सकते हैं टेबल में देर आर टू कॉलम्स कन्जंक्शन में लिखा होगा कन्जंक्स आर वर्ड्स दैट कनेक्ट टू फ्रेजेज और क्लाजेज मतलब पूरे पूरे सेंटेंसिस को आपस में ज्वाइन नहीं करते हम क्लॉज ऑफ़ फ्रेजेस को जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है एक डिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है एक वर्ब फ्रेज को नाउन फ्रेज के साथ कनेक्ट uh, करना एंड दीज आर यूजली शॉर्ट वर्ड्स एंड बट ऑफ बिकॉज एसेट्रा दीज कैन बी देयर बट एज फार एज ट्रांजलेशट इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेंटेंसेज और टू पैराग्राफ्स सो दैट इज़ ऑन अ लार्जर स्केल ठीक है और कन्जंक्शंस तो अक्सर आपके सेंटेंस के मिडल में आते हैं ना आपकी फ्रेजिज के मिडल में आते हैं आई वॉन्टेड टू गो आउट बट इट वॉज रेनिंग ही फेल्ड द एग्जाम सो ही डिसाइडेड टू वार्ड सो इट इट कम्स इन द मिडिलर बट जो ट्रांजेक्शन हैं वोहदा से बीच में एड होती हैं कंजंक्शन um, में नंबर दूसरा पॉइंट देख लें इट कनेक्ट टू क्लॉजेज आपके आपने क्लाजिज़ अगर मेट्रिक में पढ़े हैं तो देर इज इंडिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज इज लाइक इंडिपेंडेंट सेंटेंस इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन इट हैज अ अम्प्लीट मीनिंग एंड देन देर इज अ डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लाजेज आर क्लाजेज विच आर नॉट मीनिंगफुल अनलेस दे आर देड विद द मेन क्लॉज या आपका जो इंडिपेंडेंट क्लाज है उसके साथ जब तक उसको ज्वाइन ना करें फॉर एग्जाम्पल इट इज रेनिंग आउटसाइड इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज ये कम्प्लीट मीनिंग अपने अंदर uh, लिए हुए है

या ना लगाएं सेंटेंस को फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन ये कि अगर आप ट्रांजेशन लगाते हैं तो इट मेक्स द फ्लो स्मूद फ्राम वन आइडिया टू अनदर फ्राम वन सेंटेंस टू अनदर ये थर्ड पॉइंट यही है जो मैंने भी बोला रिमूविंग अ कंजंक्शन फ्राम अ सेंटेंस विल अफेक्ट द ग्रामेटिकलिटी ऑफ द सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक आउट बिकॉज आउट ऑफ अ सेंटेंस सो इट डज नॉट मेक सेंस द दलोज हिज क्लोज वर वेट बिकॉज इट वॉज रेनिंग आउटसाइड सो अगर आप बीच में से बिकॉज निकाल देते हैं हिज क्लॉज वर वेट इट वॉज रेनिंग आउटसाइड सो इट लुक्स अ लिटल इनकम्प्लीट एंड ग्रमैटिकली इट इज नॉट करेक्ट बट वेन यू रिमूव अ ट्रांजेशन देर इज़ नो अफेक्ट ग्रमैटिकली स्पीकिंग बट इफ यू यूज दैम योर राइटिंग बिकम्स बेटर एंड मोर एकिश्ड द लास्ट डिफरेंस इज नॉट ऑलवेज सेट अपार्ट फ्राम द रेस्ट ऑफ द क्लॉज और सेंटेंस बाय कॉमर्स ज़्यादातर जो आपके कंजंक्शन है दे कम इन द मिडिलज सो यूजअली दे डू नॉट यूज कॉमर्स इन फ्रंट ऑफ दैम

डिफरेंस बिटवीन कंजंक्शन एंड ट्रांजेक्शन ना वी मूव टू द टाइप्स अच्छा आपकी बुक में आपको ना डायरेक्ट उन्होंने कहा है कि ट्रांजेशनल डिवाइस लगा दें और आपको बताया ही नहीं कि कितनी किस्म की हो सकती हैं बट जस्ट टू मेक योर परसेप्शन क्लियर दीज आर दिक्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेशन दैट वी यूज एंड दे आर यूज फॉर डिफरेंट रीजनज फॉर डिफरेंट परपजेज फॉर एग्जाम्पल देर आर ट्रांजेक्शन फॉर कॉन्ट्रास्ट इफ़ यू आर यूजिंग ट्रांजेक्शन टू कॉन्ट्रास्ट टू थिंगस इथ दे आर ऑपोजित आप फर्स्ट कॉलम यूज़ करेंगे फॉर एग्जाम्पल हाउ एवर नेवर दस अल्टरनेटिवली डिस्पाइट दिस ऑन द कंट्री येट वेयर एज अपार्ट फ्राम इवन सो ऑल दो इन स्पाइट ऑफ वाइल सो जब भी आप ये वाले ट्रांजेक्शन यूज करेंगे इसका मतलब है कि वट एवर यू सेट अर्लियर अब आप जो अब कहने जा रहे हैं वो उससे ऑपोजिट होगा उसके कॉन्ट्रास्ट में होगा फॉर एग्जाम्पल आई लवड द मूवीज़ ऑफ टॉम क्रूज अलॉट फुल स्टॉप हाओ एवर कॉमा दिस न्यू मूवी इज़ नॉट गुड इनफ़ सो अब आपने पहले कह दिया कि भई आपको बहुत पसंद है लेकिन अब कॉन्ट्रास्ट है कॉन्ट्रास्ट क्या है कि पहली बारी तो पसंद थी लेकिन जो अब नहीं आई है वो आपको पसंद नहीं आई कुछ तो बिल्कुल ही क्लियर है फॉर एग्ज़ाम्पल्टरनेटिवली का मतलब ही यही है कि अपोज़िट टू दिस डिस्पाइट बी contrary yet whereas apart from i mean all of them show that now whatever you are going to share the idea is opposite to the idea that you were using earlier persuasion persuasion ka hai, kisi ko convince karna apne of course clearly evidently surely indeed undoubtedly decidedly certainly for this reason beside again i mean these are the words you use when you try to persuade someone if you when you try to convince someone that whatever you are trying to say is correct. For example, it is clearly stated, clearly, it was stated uh, in the paper that the government is trying to do something about inflation. Surely, you must know that I am doing something about it. Uh, decidedly, the government has taken.

कोच हैं जो हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते एन इंस्टेंस एज रिवील्ड बाई टू शो दैट इन द केस ऑफ एज एन एग्जाम्पल फॉर वन थिंग कॉमा इन सब के बाद कॉमा आएंगे ठीक है जब भी आप ये यूज़ करेंगे फिर जी कॉज एंड इफेक्ट कॉज एंड इफेक्ट हमने हिज फर्स्ट फ्लाइट में भी किया था कि ही वॉज कन्विंस दैट हिज़ विंग्स वुड नॉट टेक अप हिज वेट सो ही जस्ट बाव हिज हेड एंड वेंट बैक टू द नेस्ट दैट ही हैड कॉज एंड इफेक्ट का मतलब होता है कि कोई एक चीज़ होती है एंड देन समथिंग एल्स हैपन्स तो इसमें एक दो तो है ना आपकी वो कंजंक्शनस ही हैं लेकिन जब ये एज अ ट्रांजिशन आप यूज़ करेंगे तो उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे बिकॉज सिंस फॉर सो कॉन्सिक्वेंटली देयर फॉर दस हेंस ओइंग टू एज अ रिजल्ट ऑफ एसेट्रा नेक्स्ट इज कम्पेरिजन वैन यू कंपेयर समथिंग और आपने सिमिलैरिटीज़ शो करनी होती हैं कॉन्ट्रास्ट देख लें वो अलग है कॉन्ट्रास्ट में आपने दो चीज़ों को आपस में कॉन्ट्रास्ट करना होता है डिफरेंसेस शो करने होते हैं वे यू आर कंपेयरिंग समथिंग आप ये कंपेरिजन वाले ट्रांजेक्शंस लगाते हैं ऑफकोर्स क्लियरली एविडेंटली श्योरली इंडीड अनडाउटडली इसका ऑलमोस्ट वही है जो परसुएशन के साथ है ठीक है सो यू यूज बोथ ऑफ देम फॉर द सेम रीज़न इसमें एक चीज़ जो मिसिंग है वो सिमिलरली सिमिलरली आप यूज़ करते हैं कंपेरिजन के लिए ठीक है एडिशन में आ जाए एडिशन में uh, अक्सर जब आप सीकुंस दे रहे होते हैं कोई किसी रेसिपी का uh, उसको मैं सीक्वेंस बता रहे होते हो तो फिर आप ये वाले वर्ड्स यूज़ करते हैं एंड ऑल्सो इनडिशन फर द मोर बिस इनडिशन टू मोर ओवर नॉट ओनली बट ऑल्सो दैन अगेन फाइनली सो यू यूज दिस टू शो दैट यू आर एडिंग टू योर पॉइंट्स आप कुछ ना कुछ और एड करते जा रहे हैं अच्छा नाओ कमिंग टू योर बुक ट्रांसलेशनल डिवाइस आपकी एक्सरसाइज थी ऊपर उन्होंने दे दिया है डेफिनेशन uh, एक तरह की दी है कि ट्रांजिशन वर्ड्स आर यूज्ड टू लिंक आइडियाज विद इन सेंटेंसेस एंड सेंटेंसेस विद इन पैराग्राफ्स यूज्ड करेक्टली ट्रांजिशन वर्ड्स मेक राइटिंग ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मोर मिच्योर ट्राई टू आइडेंटिफाई ट्रांजिशन वर्ड्स वैन यू आर रीडिंग वैन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी यूज़ दीज वर्ड्स योर तो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम टू मी एंड से कि मैडम मैं राइटिंग अपनी इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ तो मैं उनको दो चीज़ें कहती हूँ एक तो ये कि अपनी वकेबुलरी इंक्रीज़ करें और सेकेंडली अपना एक्सप्रेशन बेहतर करें एक्सप्रेशन बेहतर करने में दो तीन चीज़ें आ जाती हैं नंबर वन आपको एडजेक्टिव ज़्यादा यूज़ करने चाहिए फ़ॉर इफ़ यू से आई हैव अ बुक तो आप कह सकते हैं कि आई हैव अ न्यूली बॉट हार्ड कवर नावल बुक एसट्रा सो यू नो आप एडजेक्टिवस बढ़ाते जाएंगे तो आपकी जो राइटिंग है वो ज़्यादा क्लियर होती जाएगी और जो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रांज़ेशनल डिवाइस हमारे स्टूडेंट्स अक्सर नहीं यूज़ करते इसलिए जब वो ऐसे लिखते हैं तो क्लास एट्थ का ऐसे हो या क्लास मेट्रिक का ऐसे हो या सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर का ऐसे हो वो एक जैसा ही लगता है आपकी जो राइटिंग वो मेच्योरिटी देती है ना वो ट्रांजेशनल डिवाइस देते हैं अच्छा ये एक्सरसाइजिज़स पे आ जाएँ Uh, read each sentence carefully and choose the most appropriate transition to fill in the blanks in the sentences capitalize where necessary where are we going to capitalize it we are going to capitalize it if it is coming after full stop okay if it is if the transitional device is coming after full stop it is going to be capitalized and it is going to be followed by a comma number 1 you can use things you already have around the house for doll furniture full stop dash a spool of thread can be used as a stool सो अब ऑब्वियसली ये आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है उन्होंने कि भाई आप यूज़ कर सकते हैं सो अ स्पूल ऑफ थ्रेड कैन बी यूज एज अ स्टूल सो हमने यहाँ ट्रांजिशन डिवाइस लगाई है फॉर एग्जाम्पल और क्योंकि फुल स्टॉप के बाद आई है तो एफ इज गोइंग टू बी कैपिटल एंड इट इज गोइन टू बी फॉलोड बाई कॉमा आई लव पिज़्ज़ा और उसके बाद सेमी गोलन है इट मीन्स कि थॉट कंटिन्यू करेगी आगे डैश मोस्ट डेज़ आई ईट इट फॉर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर दॉ मोस्ट डेज आई ईट इट फॉर ब्रेकफस्ट लंच एंड डिनर देर फॉर आप उस वक्त लगाते हैं जब आपकी थाट कंटिन्यू होती है दोनों एक ही चीज़ है दोनों आपका आइडिया चेंज नहीं हुआ नंबर थ्री द डे सीम एंडस वाइल वी वो वर्किंग ऑन आर प्रोजेक्ट बट नेवर द लेस द टाइम केम फॉर आस टू सेटरसाइड फॉर द डे एंड गो होम सो हेअर ऑल्सो यू वॉन्ट टू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट एंड लेसली बट नैवर द लेस लेकिन फिर भी एक टाइम आया द टाइम केम फॉर आस टू सेटरसाइड एंड

फाइव में आ गया जी गुलमीना एंड आई टुक लुक फॉरवर्ड टू बी एबल टू सी इच अदर नेक्स्ट समा फुल कॉमा मीन वायल वी विल राइट लेटर्स टू अदर अब क्योंकि ये बीच में आ रहा है तो ये आप कैपिटल नहीं करेंगे मैंने कैपिटल डाला हुआ है बट यू आर नॉट गोइंग टू यूज बिकॉज लुक उससे पहले भी कॉमा है उसके बाद में भी कॉमा है तो ये बीच में आएगी आपकी ट्रांजेक्शनल डिवाइस मीन वायल वी विल राइट लेटर्स टू इशादा आई विल रिलक टू सी यू अगैन कॉमा सो विल यू जॉइन मी वन आफ्टरनून फॉर लंच अगैन बीच में ट्रांजिशन आई है सो एस इज़ नॉट गोइंग टू बी कैपिटल आई वॉन्टेड टू गो टू मूवीज़ कॉमा हाओ एवर द टिकट्स वर ऑलरेडी सोल्ड आउट सो इसमें दो दोनों में फ़र्क है कि जो पहले हुआ है वो बाद वाले को करिस्पॉन्ड नहीं कर रहा सो यू आर गोइंग टू यूज़ हाउ एवर आई वॉन्ट टू गो टू द मूवीज़ हाओ एवर द टिकट्स वर ऑलरेडी सोल्ड आउट वी नीड टू गो टू द दामा आफ्टर वर्ड वी विल स्टॉप एट रेहान्स हाउस एंड पिक अप दैट आई लेफ्ट देर येस्टे

लास्ट वन आई स्टडी इट वेरी हार्ड फॉर द इंग्लिश टेस्ट बट आई बियरली पास्टड सिमिलरली माई स्टडिंग एफर्ट्स वर अन रिवॉर्डेड इन मैथ्स क्लास आई वॉन्ट डर इफ आई एम नॉट स्टडींग करेक्टली दोनों में नहीं अच्छा किया ना तो आप सिमिलरली लगाएँ बिकॉज दे दे आर बोथ इन अ सिमिलर पोजिशन आई स्टडी इट वेरी हार्ड फॉर द इंग्लिश टेस्ट बट आई बियरली पास्ड सिमिलरली माई स्टडिंग एफर्ट्स वर अनरिवॉर्डिड इन मैथ्स क्लास यानी मैथ्स में भी नहीं अच्छा काम किया इंग्लिश में नहीं किया तो दोनों सिमिलर सिचुएशन हैं तो आप सिमिलरली लगा देंगे अच्छा जी नेक्स्ट आपको सेंटेंसेस अपने खुद बनाने हैं ठीक है मैंने एग्जांपल दे दिए बट आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट इफ़ यू कैन कम अप विद योर ओन सेंटेंसेस मीन वायल फॉर एग्जांपल कॉन्सिक्वेंटली विदाउट अ डाउट इन दफॉर कॉमन ट्रांजेशन हैं तो आप ये मेरे सेंटेंसेस भी देख सकते हैं बट यू हैव टू कम अप विद योर ओन सेंटेंसेज एज वेल एंड देन हमारी ट्रांजेशन जो वर्ड्स हैं वो टाइम ऑर्डर या प्रोसेस को भी शो करती हैं Uh, और उसके नीचे वर्ड्स लिखे हुए हैं कि अगर आपने कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रेसिपी है या आपने किसी को रास्ता बताना है डायरेक्शंस देनी है या कोई ऐसा प्रोसेस बताना है फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी केमिस्ट्री का uh, प्रैक्टिकल हो रहा है एंड योर टीचर इज टेलिंग यू वॉट टू डू देन वॉट टू डू नेक्स्ट एंड देन वॉट टू डू आफ्टर दैट सो दिस इज़ कॉल्ड ऑर्डर या प्रोसेस ट्रांजेक्शन वर्ड्स सो इसमें आपके जो ऑर्डर या प्रोसेस ट्रांजेक्शन वर्ड्स हैं वो है फर्स्ट सेकेंड लेटर नेक्स्ट एज सून एज ड्यूरिंग वैन आफ्टर देन फाइनली मीन वाइल लास्ट बाय द टाइम ओवर टाइम ठीक है तो ये सारे आप ट्रांजेक्शन में यूज़ कर सकते हैं स्पेशली इफ यू आर डिस्क्राइबिंग अ प्रोसेस या इफ़ यू आर डिस्क्राइबिंग अ रेसिपी जिसमें स्टेप्स हैं पहले ये करना, है, ये करना है फिर ये करना है फिर ये करना है या कोई एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपने स्टेप्स आपने फॉलो करने अच्छा मेक अ पेपर एरोप्लेन बिलो इन ऑर्डर आर द स्टेप्स टू मेकिंग अ पेपर एरोप्लेन रीड द स्टेप्स एंड री राइट दैम एज अ पैराग्राफ चूजिंग अप्रोप्रियट ट्रांजिशनल डिवाइस फ्राम द लिस्ट अपॉफ डोंट फरगेट टू गिव योर पैराग्राफ अ टाइटल एंड अ गुड टॉपिक सेंटेंस तो ये आपको उन्होंने ना जम्बल अप दे दिए बल्कि जम्बल अप नहीं है बट दे आर लाइक प्लेन सेंटेंसेस अब आपने इनके ट्रांजिशनल डिवाइसिस के साथ लगाना है गेट अ शीट ऑफ पेपर तो हम कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल गेट अ शीट ऑफ पेपर या फर्स्ट भी आप कह सकते हैं फर्स्टली गेट अ शीट ऑफ पेपर फर्स्टली के बाद कॉमल लगाएंगे फुल स्टॉप फोल्ड इट इन हाफ लेंथ दैन फोल्ड इट इन हाफ लेंथ हाफ लेंथ वाइज

एक तो वो कैपिटलाइज्ड होगा सेकेंडली उसके बाद कॉमा आपने ज़रूर लगाना है सो प्लीज़ वर्क ऑन स्पेशली ऑन योर ट्रांजिशनल स्किल्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस मेक्स योर राइटिंग मेच्योर आगे अगर आपने सी एस एस के लिए इस्पायर करना है या अगर बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के लिए कभी आपको लेटर्स लिखने पड़ गए या उन्होंने आपसे ऐसे लिखने को कहा सो दिस इज़ वेयर दे बेसिकली फोकस वेदर योर राइटिंग स्किल्स आर ऑन पॉइंट और नॉट अभी भी आप छठी के बच्चे की तरह छोटे छोटे सेंटेंसेज नहीं बनाएंगे जैसे ये देखें ना रेसिपी जैसे लिखी हुई है जो प्रोसेस लिखा हुआ है ये एक छोटा बच्चा इस तरह लिखता है गेटा शीट ऑफ पेपर Fold it in half lengthwise, fold top corners, etc. Because he does not know how to connect one idea with the other. Now, at your level, you should be able to connect ideas and especially from sentence to sentence and from paragraph to paragraph. Hence, thus, to conclude, we can say uh, uh, similarly, consequently, this happened even. Uh, फ़र्दर मोर नैवर द लेस ठीक है तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको कॉमनली यूज करने चाहिए अपने आंसर्स में भी अभी आप जितने भी चैप्टर्स करेंगे वेदर दे आर फ्राम द पोएसार्सोज दे आर क्वेश्चन एट दी एंड यू नीड टू आंसर सो दैट इज़ वेर यू कैन प्रैक्टिस दैम समरी राइटिंग में यू नीड दैम डेफिनेटली आई मीन समरी राइटिंग कैन नॉट बी डन विद विदाउट ट्रांजिशनल डिवाइस दैट इज मोर इन मोर बिकॉज दिस इज ओनली वो टू कम थ्रू दैट

तो so, आप जहाँ सिमिलरली लगा सकते हैं इन द सेम वे भी लिख सकते हैं जहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल लिख रहे हैं वहाँ फॉर इंस्टेंस भी लिख सकते हैं सो यू कैन यूज़ मल्टीपल वर्ड्स इन द सेम सिचुएशन सो इट इज़ नॉट दैट रिजिड तो मेरा काम यह है कि मैं आपको गाइड कर दूँ बट एट योर एंड यू शुड नॉट ओनली प्रैक्टिस वॉट इज़ गिवन इन द बुक बट यू शुड भी लुकिंग फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस योर राइटिंग स्किल्स बिकॉज एज वी ऑल से प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट सो इट इज़ ओनली गोइंग टू कम टू यू थ्रू प्रैक्टिस अगर आपने अपनी राइटिंग ठीक करनी है तो वो राइट करके ही ठीक होगी वो ज़बानी कोई चीज़ पढ़ने से ठीक नहीं होगी so uh, that was the lecture for today i hope everything is clear if you still have questions so please ask me in the whatsapp group uh, you can send voice messages also but they should be to the point try to understand them first thoda sa apne brain cells ko यूज़ uh, करें सबसे पहले अपने आप को अच्छा खासा तंग करने के बाद अगर फिर भी समझ नहीं आती Easy तो दैन यू कैन डेफिनेटली आस मी बट प्लीज़ पुट योर सेल्फ एट वर्क फर्स्ट ठीक है ईजी आंसर्स मिल जाए ना तो इंसान सीखता नहीं है इफ़ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट योर सेल्फ यू गोइंग टू फर्गेट इट इन योर लाइफ ओके थैंक यू सो मच